subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. राजस्थान प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद सीपी जोशी जिले के अरनूर उपखंड के ग्राम पंचायत भजूटला के एक दिवसीय दौरे पर रहे। जिरावता गांव में सांसद जोशी ने कई कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आम सभा को संबोधित करते हुए सांसद सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से कश्मीर में धारा 370 और 35 को खत्म कर भारत के साथ और कश्मीर के लोगों के साथ में न्याय किया है। कश्मीर के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। कश्मीरी की जनता भारत सरकार के द्वारा चलाई गई कई योजनाओं से वंचित थी। सांसद ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नियत साफ नहीं है। राहुल गांधी ने चुनाव में कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्जे 10 दिन में माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन 9 माह बाद भी कर्ज माफ नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार से अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट मांगी है, जिसे राज्य सरकार अभी तक दिल्ली नहीं भेजी, क्योंकि प्रदेश की सरकार किसानों का भला नहीं चाहती है। सांसद ने सभा में मौजूद ग्रामीणों से निवेदन किया कि किसी के घर में लड़का या लड़की हो तो सभी को एक पेड़ लगाना है और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। सरकार ने इसको समयबद्ध रूप से न तो गिरदावरी कराई न इसकी रिपोर्ट भेजी। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया जिलाधीश महोदय के माध्यम से गवर्नर साहब को और प्रदर्शन भी किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मेरी राज्य सरकार से इतनी मांग है और जिला प्रशासन से मांग है कि समयबद्ध रूप से गिरदावरी कराकर, कई जगह मेरे ध्यान में आया है कि गिरदावरी भी ऊपर से निर्देश मिले हैं कि 33% से कम आकर भेजी जाए। तो मेरा इनसे स्पष्ट निवेदन है, यहाँ 80% से ज्यादा खराब हुआ है, गिरदावरी जाएगी, इसकी रिपोर्ट जाएगी। भारत सरकार ने अभी 2500 करोड़ राजस्थान को दे चुके हैं और जितनी भी मांग होगी भारत सरकार की तरफ से किसानों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी भारत सरकार की सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से भारत सरकार उसमें करेगी, लेकिन जरूरत है राजस्थान सरकार उसके लिए जो कार्रवाई है वो समयबद्ध रूप से उसको कर लेगी।